में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है। ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाते हैं।